हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एलईडी बल्ब रिपेयर करना मात्र 5 मिनट में। तो आप देख सकते हैं सामने हमारा आईसी ड्राइवर है। सबसे ज़्यादा आईसी ड्राइवर में क्या प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आईसी ड्राइवर है। तो सिंपली ये आईसी ड्राइवर ऐसा दिखता है, इसमें आप पूरे सब ये कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो ये कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाते तो ये मार्केट में नहीं मिलते, तो आपको कैसे ये रिपेयर करना है। इस कंपोनेंट का अगर बिल्कुल ख़राब हो जाए, ये कंपोनेंट बिल्कुल हटा दो, मात्र पीएफ के लगाने से आपका एलईडी बल्ब सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो अगर आपको एलईडी बल्ब रिपेयर करना है तो लास्ट तक ये वीडियो आप ज़रूर देखें और एक एक पार्ट्स धीरे धीरे आप समझें। और अगर आपको ये पीएफ चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी की लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बस आपकी एक जानकारी आपको दे दूँ, आईसी ड्राइवर मात्र एक ही आईसी सही होनी चाहिए, आईसी ये ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आईसी के द्वारा ये चलता है। और ये पीएफ के लगा के सीरीज में ये पीएफ लगा के आप एलईडी बल्ब रिपेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आईसी में क्या दिक्कत आती है, मैं आपको ये एलईडी की एमसी पीसीबी को लगा के आपको पूरा बता देता हूँ कि क्या दिक्कत आती है। और अगर ये कंपोनेंट, अगर आपको ये पीएफ चाहिए हो तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आप अगर रिपेयर का काम करते हो, पर पीस 20 रुपये पर लेते हो, तो कोई ज़्यादा महंगा ये पीएफ नहीं आता है। क्योंकि ये आईसी ड्राइवर में प्रॉब्लम हो जाती है तो आईसी ड्राइवर फेंक दिया जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मात्र ये पीएफ मंगाइए और अपना एलईडी बल्ब रिपेयर करिए। और जो कोई एलईडी बल्ब का रिपेयर भी करता हो, बिजनेस करता हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार हम पहले आपको ये पूरा सारा कुछ आपको बताते हैं। और जो भी एलईडी बल्ब का बिज़नेस करना चाहता है या रिपेयर का वो करना चाहता है, तो स्क्रीन पर जो नंबर है उन पर कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है हमारी कंपनी के। और अगर आपको ये पीएफ लेना हो तो ऑनलाइन ही लिंक से परचेज करें, क्योंकि हमारी कंपनी में ऐसे आपको ये पीएफ नहीं दिए जाएंगे, ऑनलाइन ही आपको दिए जाएंगे। तो पहले हम आपको इसका पूरा कनेक्शन आपको बताएंगे। तो जैसे ये पॉजिटिव का साइन, मैं पॉजिटिव में लगाऊँगा एमसी पीसीबी का। और सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आती है, मैं आपको इसमें सारा कुछ बताऊंगा। तो इस प्रकार ये पॉजिटिव वाला मैं पॉजिटिव में लगाता हूँ। और आप, मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत ही खास ये टिप्स है। ज़्यादातर बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पीएफ लगाने से जल्दी उड़ जाता है, ये होता है, ये ऐसा पीएफ होता है कि आप आईसी ड्राइवर से आरसी करते, लाइफ ज़रूर आईसी से कम होती है, पर आप रिपेयर का काम करते हैं तो अच्छा वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते, मैंने कनेक्शन कर दिया है। मैं इसको चिमटी की सहायता से पूरे लगा के दिखा देता हूँ, ज़्यादातर आईसी ड्राइवर में क्या प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते, बिल्कुल हल्का हल्का एलईडी अपना जल रहा है। तो इसमें आईसी इसकी मैंने चेक की, वो भी सही है। कैपेसिटर भी समझ में नहीं आ रहा, वो भी सही है, फूला नहीं है, वो नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, ये समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए आपको ये खास टिप्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो इसका मैं कनेक्शन आपको हटा के सारा कुछ इसमें बताऊंगा। इस पीएफ को आपको क्या करना है, ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्योंकि ये पीएफ को आपको उसमें रखने के हाउसिंग में आपको डालना पड़ेगा, तो उसके लिए जगह साफ़ करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं कटर की सहायता से सारे कंपोनेंट आपको हटा देता हूँ। तो आप भी समझ सकते हो, मात्र एक आईसी से पूरा ये अपना ड्राइवर चलेगा। तो मैं आपको एक जानकारी ज़रूर दे दूं कि ये जो ड्रम कॉइल है, ये ड्रम कॉइल सीरीज में लगा रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ड्रम कॉइल को जब निकालें तो ये जो नीचे के दो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को सोल्डरिंग की सहायता से सोल्डर कर दें, क्योंकि ये सीरीज में लगा रहता है। अगर आप ये शोल्डर पॉइंट नहीं करेंगे तो अपना ये जलेगा नहीं। तो ये बात आप ज़रूर याद रखें कि ड्रम कॉइल जब भी हटाएं तो उनके जो नीचे के दो पॉइंट होते हैं उनको सोल्डरिंग की सहायता से शॉर्ट कर दें। तो हम इसको बिल्कुल क्लियर करके सोल्डरिंग की सहायता से पूरा वो करेंगे। पहले इसके जो पॉइंट हैं उनको हम सोल्डरिंग की से वो करेंगे। आपको एक पूरा दिखा देता हूँ बाद में। ये लेंस वाला स्टैंड है, ये भी आपको अगर परचेज़ करना हो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो रिपेयर का काम करती है। यहाँ से ये होता है, छोटा सा कंपोनेंट आपको बड़ा सा दिखाई देता है, समझ में आ जाता है। इस एलईडी स्टैंड में एलईडी लगी रहती है, वो ज़्यादा आप देख सकते हैं। मैंने ड्रम कॉइल के दोनों पॉइंट इसमें जॉइंट कर दिए हैं,
और ज़्यादातर आपको एक बार और बता दूँ, ये जो आईसी होती है ना 6 पैर की, ये आईसी आपको इसमें भी क्या करना है, जो इधर वाले जो पॉइंट होते हैं, 3 वाले जो इधर वाले पॉइंट है, इनको सोल्डरिंग्स की सहायता से इनको भी आपको शॉर्ट करना है, इसका भी कनेक्शन आपको बिल्कुल हटाना है। तो इसका भी जो इधर वाला पॉइंट है इसको भी हम शॉर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे हमने इसके कंपोनेंट भी हटा दिए। आप अगर चाहें तो इसका कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर भी हटा सकते हैं, पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें पीएफ रख जाए तो वो अपना काम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आईसी का भी सोल्डरिंग, वो भी सोल्डरिंग की सहायता से पॉइंट कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिया पीएफ। अब पीएफ को किस प्रकार आपको लगाना है, जो आईसी होती है आईसी के पॉजिटिव वाला साइन आप देख सकते हैं, पॉजिटिव वाला साइन से सीरीज में ये पीएफ आपको लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ये लाइन इधर वाला ये पॉजिटिव है, उधर वाला निगेटिव है। तो ये अपना जो पीएफ आपको लगाना है ये पॉजिटिव की तरफ सीरीज में लगाना है। तो हम पहले इसका पॉइंट साफ करेंगे, तो इस प्रकार ये अपना रख जाएगा। पहले इसका पॉइंट साफ करेंगे, उसमें अपना ये पीएफ लगाएंगे। तो सोल्डरिंग की सहायता से ये पीएफ हटाते हैं। और जैसे कि बहुत से लोग बनाते हैं, पीएफ में क्या होता है, एक तो वैल्यू ऊपर हो जाती है तो एलईडी को उड़ा देता है, या फिर आप कनेक्शन उल्टा सीधा कर देते तो वो हटा देता है। इस प्रकार मैंने ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मैंने चेक किया और वीडियो अपलोड कर दिया, ये बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी सर क्या करूँ, ये ज़्यादातर जैसे दिक्कत समझ में नहीं आ रही। तो ये पहले टेस्ट किया, इसको 8 दिन तक जला के फिर ये वीडियो बनाकर अपलोड किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव वाले में पॉइंट में सीरीज में लगा दिया है। तो आपका एक एक तरफ का ये एक पीएफ का हो गया एसी में लगने का, और एक ये वायर का उसमें आपका दूसरा है। अब आप देख सकते हैं ये इधर वाला हो गया नेगेटिव वाला और उधर हो गया अपना पॉजिटिव वाला। अब आपको ये 2 वायर एसी में लगाने हैं, जो अपनी लाइट वाली बोर्ड होती है उसमें आपको लगानी है। तो हम आपको आपको चेक करके पहले आपको बताएँगे पूरा सारा कुछ इसमें कि कैसे ये जलता है, और इसमें हम आपको 10 सेकेंड तक आपको जला के भी दिखाएंगे। तो अब इस लेंस को हम पहले हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं। तो अब मैं आपको स्पेशली आपको आप भी देख सकते हो ये एलईडी अपना बिल्कुल जैसे आईसी ड्राइवर जलता है सेम वही तरीके से जलता है। आप घर पे चेक कर लेना, क्योंकि कैमरा में ज़्यादातर अच्छी वो नहीं आती है, आप भी समझते हो एलईडी की रोशनी डाउन हो जाती है। तो इसको हम 10 सेकंड तक आपके सामने जलाकर दिखाएंगे। तो क्योंकि ये एलईडी बिल्कुल नहीं चलता, बहुत ही 100% ये जो रिपेयर का काम करते हैं या बिजनेस भी करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा आइडिया। अगर वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि एलईडी बल्ब की जानकारी इस वीडियो पे चैनल पे अपलोड होती रहती है। और अगर आपको कोई भी एलईडी का बिजनेस करना हो, एलईडी बल्ब का रिपेयर का काम करना हो, एलईडी कंसील लाइट का करना हो, टी बल्ब का करना हो, किस एसी डीसी का करना हो, बहुत से एलईडी के प्रोडक्ट होते हैं, तो हमारी कंपनी से आप परचेज कर सकते हो और अच्छा खासा एलईडी बल्ब का बिजनेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको ये पूरा जला के दिखाया है। आपको एक काम और करना है, जैसे कि इसको चेक करके इसका जो पीएफ ये चार्ज हो जाता है, इसको आप किसी की सहायता से सोल्डरिंग से की सहायता से या किसी की सहायता से इसको डिस्चार्ज जरूर कर दें, वरना आपको हल्का शॉर्ट लग सकता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा ये ड्राइवर तैयार किया। अब ये ड्राइवर आईसी से अपना आरसी ड्राइवर हो गया। तो इसकी लाइफ लाइन ये है कि चलने को तो ये अपना 6 महीने या 1 साल 2 साल भी चल सकता है, जहाँ पे ये मीटर हीटर रहती है लाइफ उसकी वो रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।